इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको गरियाबंद से बता रहे हैं, जहां पर ये अहम जानकारी सामने आ रही है। चुनाव ड्यूटी के दौरान जवान ने खुद को गोली मारी। बता दें कि अपने सर्विस राइफल से खुद को फायर किया। इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सर्विस राइफल से सर पर गोली मारकर खुदकुशी की है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। बता दें कि 34वीं बटालियन की एक कंपनी में ये जवान पदस्थ था और खुदकुशी के पीछे की वजह अभी साफ नहीं है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की गरियाबंद से सामने आ रही है। ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, ये जवान राजपुर का रहने वाला था। ये बड़ी खबर गरियाबंद से इस वक्त की आपको बता रहे हैं। चुनाव ड्यूटी के दौरान जवान ने खुद को गोली मारी है और अपने सर्विस राइफल से ही फायर किया है और इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी और इस बीच गरियाबंद में ये बड़ा हादसा हुआ है। चुनाव ड्यूटी में लगे एक जवान ने खुद को गोली मार ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जवान ने अपने सर्विस राइफल से सर पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। मिली जानकारी के मुताबिक जवान प्राथमिक स्कूल भवन में रुका हुआ था। जवान जियालाल पवार मध्य प्रदेश के राजपुर का रहने वाला था और 34वीं बटालियन की एक कंपनी में पदस्थ था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव ड्यूटी के लिए वो छत्तीसगढ़ आए थे। फिलहाल खुदकुशी के पीछे की वजह अभी साफ नहीं है। अधिकारी इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको गरियाबंद से बता रहे हैं। आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मी जो तैनात था उसने खुदकुशी की है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। 34वीं बटालियन में तैनात था और खुदकुशी के पीछे की वजह अभी साफ नहीं है। बता दें कि मध्य प्रदेश के राजपुर का ये जवान रहने वाला था जो चुनाव की ड्यूटी में तैनात था। उसी बीच अपनी सर्विस राइफल से ही खुद पर फायर किया। इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और अधिकारी इस मामले की जांच में जुट गए हैं। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की गरियाबंद से बता रहे हैं, जहां अपने ही सर्विस राइफल से एक जवान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी है और इसी बीच ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर ये बड़ा हादसा गरियाबंद में हुआ है। कुड़ेरा दादब इलाके में चुनाव ड्यूटी में लगे एक जवान ने खुद को गोली मार ली है और अधिकारी इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए गरियाबंद से संवाददाता फारूक मेमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, जिस तरीके से बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है कि वहां पर जो ड्यूटी पर तैनात था जवान, उसने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की है, क्या है ये पूरा मामला, एक बार इसको लेकर पूरी जानकारी। देखिए, 26 अप्रैल को महासमुंद लोकसभा का चुनाव था, जिसके अंतर्गत में यह जवान गरियाबंद जिला पहुंचा था और गरियाबंद जिले के राजिम और बिंद्रानवागढ़ में चुनाव हो रहा था, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ था। और ये राजपुर मध्य प्रदेश का जवान है, मध्य प्रदेश पुलिस का, और इसकी ड्यूटी जो है पीपलशरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुड़ेरा दादर में लगा हुआ था। और जो रिजर्वल होता है, जो कैंप की सुरक्षा करता है, जो देख रेख करते हैं, उस जवान के रूप में 3 से 4 जवान रुके हुए थे और वहां ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान आज सुबह जो है कुछ अनहोनी, क्या किन कारणों के चलते उसने आत्महत्या किया या स्पष्ट तो नहीं हो पाया, लेकिन यह निश्चित है कि मानसिक प्रताड़ना, मानसिक रूप से पीड़ित रहा होगा या परेशान रहा होगा, जिसके चलते इसने अपने सर्विस राइफल इनसेस से उसने अपने आप को गोली मार ली। इसे कुल 18 गोलियां दी गई थी, 18 में एक गोली इसने अपने ऊपर चला लिया है तथा एक गोली जो है इनसेस में फंस गया है। अब पुलिस अधिकारी से जब हमारी बात हुई संतोष कुमार जी से, तो उनका कहना था कि उन्होंने देखा है और प्राथमिक व्यवस्था के तहत लाश को पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने गरियाबंद भेजा है। साथ ही जो दूसरी बात थी जो कि उन्होंने कोई सुसाइड नोट भी तलाशने की कोशिश की है, लेकिन सुसाइड नोट उनको मिला नहीं है। लेकिन एक बात और जरूर उन्होंने मुझसे कहा है कि अब उनके लाश को पोस्टमार्टम के लिए गरियाबंद भेजा जा रहा है और गरियाबंद में जाकर उनके जेब और कपड़ों की तलाशी ली जाएगी, अगर उसमें कुछ निकलेगा तो वह पुलिस जो है आपको इन्फॉर्म करेगी। लेकिन जिस रूम में था, जिस कमरे में था, वहां ऐसी कोई भी चीज नहीं मिला है। महत्वपूर्ण बात यह भी है इस पूरे प्रकरण में कि इस तरह की घटना जो होती है वो मानसिक रूप से जनरली देखा गया है कि जवान घर से बाहर रहते हैं और दूरी में होने के कारण तो मानसिक रूप से पीड़ित रहते हैं, जिसके चलते ये होता है। इस तरह की घटनाएं हुई है, पहले भी हुई है इस तरह की घटनाएं, और इन सब के बाद में अब पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या जांच करती है, किस कदम की ओर बढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी।
वहीं फाबियो का अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ एक तरीके से नक्सल प्रभावित इलाका भी माना जाता है और इसी वजह से वहां सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। इससे पहले भी 19 अप्रैल को जो मतदान हुआ तब भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और अभी की अगर बात करें तब भी सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। उस बीच इस तरीके का हादसा होना, इसका क्या कुछ असर अब पड़ सकता है? देखिए, ये आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा आपने कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और ये जवान जो जहाँ ड्यूटी पर था, ये जवान भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ही ड्यूटी पर था और उसके लिए ही वो उसको विशेष करके वहाँ मध्य प्रदेश की एक टीम बुलाई गई थी, उसी में आया था। लेकिन सारी परिस्थितियों को देखने के बाद में जो नक्सल क्षेत्र में आसानी से चुनाव हो सके इसी के लिए इस जवान को वहां से लाया गया था। अब रह जाती कोई अलग से कोई दूसरी घटना होती तो बहुत सारी बातें इस संबंध में सामने आती, लेकिन जवान ने जब खुद अपने आप को गोली मार लिया है, साथ ही उसके 3-4 और भी साथी वह कैंप में थे जो कैंप की सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगे हुए थे, उन्होंने भी जो ये सब चीजों को देखा है, इसलिए बहुत सारी चीजों को अभी जांच का विषय के रूप में रखा जाना चाहिए और हो सकता है कि उसके कपड़ों से भी कुछ सुसाइड नोट मिले या कोई मिले तो नई बात सामने आ सकती है। अन्यथा यह भी संभव है कि उसके मोबाइल को भी जांच किया जाएगा, मोबाइल को भी कि बीती रात को क्या हुआ है, क्योंकि रात देखना बहुत जरूरी है, रात को जवानों के बीच क्या हुआ है या उसके परिवार से क्या बात हुई है या सुबह उसको क्या उसको मतलब बातें हुई है, ये भी मोबाइल भी उनके लिए बहुत बड़ा राज को खोलने के लिए एक तथ्य या एक साबित हो सकता है वस्तु। वहीं फाबियो का अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में मतदान लगातार जारी है दूसरे चरण का और उस बीच इस तरीके का हादसा होना, तो अभी किस तरीके का माहौल वहां देखने को मिल रहा है? देखिए, ये बात तो सही है कि प्रथम चरण का मतदान जो है वो वहां हुआ है अपने बस्तर में और बस्तर में इस घटना के साथ ही 29 की संख्या में नक्सली मारे गए हैं, ये भी बात सही है और वहां नक्सली बिखर गए हैं क्योंकि पुलिस का इतना ज्यादा दबाव था कि बताया नहीं जा सकता और इस दबाव के चलते गरियाबंद जिला सेकंड फेज में जो महासमुंद लोकसभा के अंतर्गत गरियाबंद जिला आता है वहां चुनाव है, इसलिए पुलिस प्रशासन पहले से सजग और सावधान थी कि क्या होना है क्या करना है, पूरी व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। और ये बता देने भी जरूरी समझता हूँ आपको कि लगभग 4-5 महीने पहले जो लोक विधानसभा चुनाव हुआ है वहां भी गरियाबंद जिले के अंतर्गत एक जवान नक्सलियों के शिकार होकर के बम से उसकी खत्म हो चुका है, इसलिए भी इस बार पुलिस और प्रशासन अधिक सतर्क थी और सावधान थी, उन्होंने काफी एहतियात बरता है और साथ ही फोर्स भी उन्होंने काफी बुलाया है। लेकिन अब सवाल ये है कि अभी की परिस्थितियां बिल्कुल शांत है, अभी चुनाव हो रहे हैं, सारी बातें ठीक नजर आ रही है, ये भी साथ में है कि 5 से 7 ऐसा पोलिंग बूथ है जहां बहिष्कार की बात आई है, लेकिन जो बहिष्कार की बात आई है वो बातें काम ना होने के कारण, विकास ना होने के कारण आया है, क्योंकि जहां पे बहिष्कार की बात है वो उड़ीसा सीमा से लगा हुआ और छत्तीसगढ़ सीमा के अंत में है, इसलिए बहिष्कार की बात आई है और कुछ लोग इसको नक्सल से भी जोड़ करके देख रहे हैं। खैर, ये तो अब समय बताएगा जांच के बाद, लेकिन अधिकारी इनको मनाने में जुटे हुए हैं और ऐसा लगता है कि ग्रामीण मान जाएंगे। अब सुरक्षा के नाम बात करें अगर अपन तो सुरक्षा पर्याप्त व्यवस्था पुलिस ने किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इन पूरे प्रकरण के बीच में कि जब मतदान जो दल गया है वो सुरक्षित वापस गरियाबंद लौट आए, अपने कैंप में लौट आए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और वो जो महत्वपूर्ण बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये शाम को करीब 6 बजे इनका मतदान जो है खत्म होगा, उसके बाद जो परिस्थितियां उस पर भी नजर रखना या उस पर भी सोचा जाना आवश्यक है और पुलिस इस संबंध में पूरी तरह सजग और सावधान है, पूरी व्यवस्था के साथ चल रही है। ठीक है फारूक मेमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।